के कैथौली चट्टी के पास सड़क दुर्घटित मिर्जापुर के चिल थाना क्षेत्र के शिवदानी गांव निवासी महेश की मां। घटना के बाद रोते बिलखते परिजन, आप उनके क्या लगेंगे? उनके क्या लगेंगे? साले लगेंगे। आपके है भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार हमारा नाम। वो कितना दिन पहले के घर से गए थे? 6 महीना पहले से गए थे। 6 महीना पहले गए थे। क्या करते थे नेपाल में? वो कालीन का काम करते थे। कालीन का काम करते थे, वेल्डिंग करते थे। वेल्डिंग करते थे। तो कितने दिन? 6 महीना पहले गए थे। तो कल फोन किए थे आप लोगों को क्या आ रहे हैं? कल फोन किए थे। हम लोग वहाँ केवल 24 घंटे में चले आते हैं, लेकिन वो नहीं पहुँचे। जब कल कब फोन किए थे? कल 12 बजे लमसम किए थे। दूसरे के मोबाइल से? ड्राइवर के बस के ड्राइवर के मोबाइल से। अच्छा, इनके बीवी बच्चे हैं? चार लड़के हैं और मतलब पत्नी है। तो 12 बजे फोन किए कि कहाँ पर हैं? हम कह रहे हैं कि मऊ हम पहुँच गए हैं, इसके बाद आ रहे हैं। अच्छा, मऊ उसके बाद फिर फोन नहीं किए? तो आप लोग फोन किए इनके पर? मोबाइल खो गया, क्या हो गया? फोन नहीं लग रहा था। कब लगा रहे थे आप लोग? 12 बजे। अरे 12 बजे के बाद लगाए होंगे आप लोग ना? वही पर लगा ना, वो 12 बजे फोन करके आप लोगों को बता दिए। हाँ। तो आप लोग तो फिर बाद में उनको फोन किए होंगे ना? नहीं, फिर नहीं फोन करा ना, उनकी मोबाइल पर लगता ही नहीं। ड्राइवर कहे ड्राइवर के मोबाइल से फोन करे। उनके माता जी आप हैं? हाँ। और ये रिश्तेदार लोग हैं सब? हमारे जेठानी के भाई है। कब सूचना मिली आप लोगों को? सुबह सर 24 से वहाँ से फोन आया हमारे पास। हाँ, मतलब आपके चिल थाना से फोन आया है? कल हम गए थे वहाँ गुमसुदी दिखाने। अच्छा, गुमसुदी लिखाने भी चले गए थे? जो शाम तक नहीं लौटे तो? नहीं लौटे सर, तो हम लोग शंका होने लगे। इतना दिन कैसे 2 दिन 24 घंटे में आ जाते हैं, 4 दिन हम वहाँ गए तो वहाँ बोले वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे तो बोले कि ऐसा है, यहाँ गुमसुदी नहीं होगा, वहाँ गायब हुए हैं, आपको आ जाके गुमसुदी कराइए। फिर भी तो कॉल कर ली, वो अपने रजिस्टर में पूरा लिख लिए। चलिए ठीक है, तब तक सुबह उन्हीं का फोन आया, ऐसा ऐसा बात हो गया। कैसे उनकी मृत्यु हुई है सर? अब उसमें तो नहीं, वहाँ उतरने का कोई चांस ही नहीं था। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे देखे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो वहाँ से उतर करके पैदल, सीसीटीवी कैमरा में हम लोग देखे तो पैदल जा रहा था। कई बजे रात में जा रहा था पैदल? 11:35 सीसी कैमरा बता रहा है। और कुछ झोला वोला नहीं लिया था? कुछ नहीं लिया था। किधर? पेट्रोल पंप के तरफ से जा रहा था, पंप से साइड से मऊ वाले रास्ता पे हाईवे पे जा रहा था। बीच में सड़क के बीच में डिवाइडर जो है, 11 बजे के बाद का है सीसीटीवी फुटेज। तो आप लोगों को क्या आशंका है, कैसे उनकी मृत्यु हो गई? सर उसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, यही लग रहा है आप लोगों को? पॉकेट से न पैसा मिला है न मोबाइल मिली है। कितना पैसा रहा होगा लगभग उसके पास? लगभग 20,000 के ऊपर होगा सर पैसा उसके पास रहा होगा, लेकिन तलाशी में कुछ मिला नहीं है। अच्छा, मोबाइल फोन भी था उसके पास? कैसा फोन था? बैग भी था सर, बैग तो पता चल गया है कि वो कंडक्टर, बनारस का कंडक्टर है, उसके पास बैग है। अच्छा, तो ये शराब वराब पीता था सर? थोड़ा बहुत यानी कभी कभार, थोड़ा बड़ी पीता था ऐसा नहीं। अब मोबाइल कौन था इसके पास? महंगा वाला था? एंड्रॉइड था मोबाइल था इसके पास? हाँ। एक्सीडेंट हो गया, लाश उसकी खाई में गिरी मरी है, पड़ी थी। हाँ, खाई के नीचे और एकदम सीधा लेटा हुआ था, सीधा लेटा हुआ था। तो इस समय लाश चली गई है गाजीपुर पोस्टमार्टम के लिए कि यहीं है? तो वहाँ पोस्टमार्टम हाउस पर आप लोग जाएंगे? तो आज कहाँ जाएंगे आप लोग? फिर लौट के आएंगे पोस्टमार्टम हाउस पे आप लोग? चलिए ठीक है।